जय महाकाल दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घर में पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है, मेहनत करते ही पैसा नहीं रुक पाता या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जिनकी वजह से आपको लाभ ना मिले। अगर आप इन गलतियों को ना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मंदिर बनाने एवं पूजा पाठ करते समय वास्तु के नियमों की अनदेखी से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। वास्तु के मुताबिक घर में मंदिर स्थापित करने के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा को चुनना चाहिए। घर में बने मंदिर से जुड़ी गलतियां बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वास्तु के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पूजा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। घर में पूजा स्थल पर कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शंखनाद से किसी भी स्थान की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख रखने से वास्तु दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है, साथ ही धन की प्राप्ति भी होती है। शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार शिवलिंग को हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखें। शिवलिंग को बिना रेशमी कपड़े के रखने से वास्तु दोष की संभावना होती है। इसके साथ ही घर में आर्थिक तंगी भी आती है। दोस्तों, वास्तु के मुताबिक अगर घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हो तो अकेला शिवलिंग नहीं बल्कि शिव परिवार की मूर्ति स्थापित कर रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। भगवान की किसी भी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा करते समय मोह पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में मोह नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में मोह करके पूजा कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की दीवार मंदिर के लिए शुभ मानी जाती है। हालांकि ध्यान रखें कि मंदिर की दीवार का रंग एक ही होना चाहिए। कई बार हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मंदिर में काफ़ी दिनों तक रखी रहती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। पूजा पाठ करते ही तत्काल ही 2 घंटे या शाम तक घर की सारी चीज़ें जो आपने पूजा में रखी हैं वह हटा देनी चाहिए। कई बार हवन या अनुष्ठान करने के बाद बची हुई पूजा की सामग्री घर के मंदिर में रख देते हैं, जबकि ऐसा करना वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता। बची हुई सामग्री को प्रयोग करना या जल में प्रवाहित करना चाहिए। कलश के बिना पूजा अधूरी होती है। ज़्यादातर लोग कलश को ज़मीन पर रख देते हैं, ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसलिए कलश को हमेशा थाली में रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई भी पूजा कर रहे हों तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का आह्वान करें। बहुत से लोग डायरेक्ट पूजा शुरू कर देते हैं, भगवान गणेश जी का पूजन नहीं करते, इससे विघ्न आते हैं। पूजा स्थल में जहाँ पर मंदिर रखा हो वहाँ पर कभी भी जाले नहीं लगने चाहिए। जली हुई बत्ती मंदिर में नहीं होनी चाहिए। सूखे हुए फूल मंदिर में नहीं होने चाहिए और वासी फल मंदिर में नहीं रखने चाहिए। ये सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पूजा कर रहे हों तो नीचे आसन बिछा के सिर पर कपड़ा रख करके ही पूजा करनी चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी अपने घर में ही हमेशा निवास करती हैं और माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। दीपक जलाते समय आपको हाथ जोड़ करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही आपके घर में धन बढ़ेगा। पूजा करने से पहले संकल्प जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब